हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं फिर से एक और रिएक्शन, तो कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो हाँ, अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था यार। और आज हम जिसका रिएक्शन कर रहे हैं, जिनका रिव्यू कर रहे हैं, वो उसका नाम है सुखी। ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, नेटफ्लिक्स पे आ चुका है, स्ट्रीम कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा अगर जान लेते हैं तो अच्छा होगा, देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं, बस कानों में एयरफोन लगा लो। ठीक है, मेरी जिंदगी तो बस सुबह की चाय और रात के दूध के बीच में लटक रही है। संकट सुखी यार, मेरे अंडरवेयर नहीं मिल रहे। की बेटी को तूने भगवाया? मुझे क्या पता था वो भाग रही है। उसने कहा सुखी पबजी कैब बुक कर दो, तो मैंने कर दी। सुखी यार, तू मुझे कब सुखी होने देगी? सुखी, कि आपका डांस तो आग लगा देता है, आग। बीजी बुला रही है। सास दीवार पे हो ना, ज्यादा अच्छी लगती है। मम्मा, ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? कुत्तियों का रियूनियन। फटके हाथ में आ गई थी मेरी। तेरी बेटी है, इतना तो अंदर से सीख के आई है। उन्हें पंजाब से आने में ड्रामे किए ना, तो जुत्ती उतार लेनी है मैंने। इतना आसान नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। कैसी माँ, तू 2 महीने में उसके बोर्ड के एग्जाम है और तुझे दिल्ली जाके अय्याशियां करनी है। तू इतनी सेल्फिश कब से हो गई सुखी? मैंने अपनी बोरिंग जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक क्या मांग लिया, मैं सेल्फिश हो गई। बस यार, मैंने कह दिया ना, तू कहीं नहीं जा रही। पापा मम्मी कहाँ हैं? अरे यार सुखी, सुखी पैर दी बच्ची यार, सुखी सारा वे तुम बोलता ही नहीं, गल खोलता ही नहीं। आड़े टेढ़े बुड्ढे देखने के लिए इतना सच के आया हूँ? खोलता भी नहीं पर जाने। तू तो चलेगी वहाँ ऐश करने, यहाँ पे हम दोनों का बैंड बज रहा है। इतने टाइम के लिए मैं कभी भी घर से बाहर नहीं रही हूँ। जस्सी और गुरु कैसे मैनेज कर रही हूँ? हाय हाय, बर्गर शर्गर ये सब खाने से ना पेट में गांठे पड़ जाती है। तू कब तक वापस आएगी? अरे मत क्या, यार ये वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे कितनी फिल्में बनाएंगे, वो सबकी कहानी सेम होती है। तो भाई लोग, ट्रेलर देख लिया, फन था, बढ़िया था। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इसमें मेन लीड में दिखाई है शिल्पा शेट्टी, और शिल्पा शेट्टी काफी टाइम बाद आई है मूवीज में। और इसके बारे में अब क्या समझ में आता है हमें, कि मतलब वो एक पंजाब से हैं और वो एक टिपिकल फैमिली में मैरिड हैं, और उनकी एक बेटी है, एक पति है और ससुर है, मदर तो नहीं है शायद से। और क्या मतलब वो एक टिपिकल फैमिली में है और वो मतलब थोड़ी सी मतलब वो घूमना फिरना चाहती हैं, अपनी बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाना चाहती हैं। एक दिन क्या होता है, सारी फ्रेंड्स मिलकर, मतलब जो इनका स्कूल में कोई ग्रुप होगा 4 लड़कियों का, तो उन्होंने रीयूनियन करने का सोचा। और ये चारों औरतें बोलूँगा, लड़कियाँ तो नहीं बोलूँगा, चारों औरतें सारे के सारे रीयूनियन होते हैं और दिवाली में ये मिलने का सोचते हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी जो इसमें दिखाई हैं, सुखी नाम है उनका इसमें, उनकी बेटी के 2 महीने बाद बोर्ड्स होते हैं और वो मतलब वो अपने पति से बात करती है इसके बारे में, कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पार्टी वार्टी करनी है, ऐसे ऐसे मतलब मेरी फ्रेंड्स का रीयूनियन है, मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन वो मना कर देते हैं, लेकिन वो शायद बिना बताए चली जाती हैं। और वो दिल्ली जब पहुँचती हैं तो सब मिलते हैं ये आपस में और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमने एक सीन में देखा है कि जो इनके हस्बैंड है, जो हस्बैंड का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आटा गूंद रहे हैं उधर किचन में, तो उसका मतलब वो जा चुकी हैं और उनको बिना बताए। ठीक है, तो वो गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें फन दिखाया है, इसमें पार्टी वार्टी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और मतलब थोड़ा सा वो परेशान भी हो जाती है कि क्या कर रहे होंगे मेरे, मतलब शिल्पा शेट्टी जो सुखी जो है इसमें, वो अपने पति और बेटी के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि वो कैसे कर रहे होंगे मेरे बिना, मैं घर से इतना दूर कभी भी नहीं रही हूँ, ऐसा है वैसा है, ये सारे के सारे मिलते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी फैल जाती है और ये बस मज़े ही ले रहे होते हैं। अब
इसका एंड क्या है एंड नहीं मालूम, और एंड कैसा होगा वो देखना जरूरी है। और इसकी अगर दूसरे कास्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मेन लीड में आती है शिल्पा शेट्टी, फिर आती हैं कुशा कपीला, फिर जाती है फिर आते हैं चैतन्य चौधरी और फिर आते हैं अमित साध। तो भाई मतलब चारों बढ़िया ही एक्टर्स हैं। और मतलब आपने कुशा कपीला को इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा और शिल्पा शेट्टी आप जानते ही हो, चैतन्य चौधरी काफ़ी टाइम बाद आए, पहले एक सीरियल में आते थे, और अमित साध तो है ही बढ़िया एक्टर। तो भाई ये मूवी शायद अच्छी हो सकती है, देखने के बाद पता चलेगा। अगर आपको ये ट्रेलर और रिव्यू अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, 5 चीज़ें करनी है, ये कर देना। और अपने ओपिनियन शेयर करने तो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यार, और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा, जाओ जाकर फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर अपडेट मैं देता रहूँगा। और पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, मेरा एक ब्लॉग आ चुका है प्रयागराज का, अभी तक नहीं देखा है ना तो भाई लिंक है नीचे, प्लीज़ जाकर देख लो, उसको बहुत सारा प्यार दे दो। मैं प्रयागराज गया था, वहाँ का घूम भाई मैंने दिखाया है वहाँ का सीन, ठीक है, क्या सीन है क्या है। और बस ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।